देखिए, अगर आप धनुष सर के फैन है तो आपके लिए बड़ी गुड न्यूज आ गई है। जी हाँ, धनुष सर खुद का पैन वर्ल्ड फिल्म ला रहे हैं कैप्टन मिलर नाम करके। तो चलाइए जानते हैं आखिर कैप्टन मिलर है क्या चीज। देखिए, धनुष सर इंडिया गिने चुने एक्टरों में से एक होंगे जो हर जगह के फिल्में करते हैं। इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्म में काम किया है, एक तेलुगु फिल्म में भी, और फिर दो हॉलीवुड फिल्म में अपना किस्मत आजमा दिया उन्होंने। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर और दूसरा द ग्रे मैन, जिसमें से उनकी फकीर फिल्म फ्लॉप हो गई थी और द ग्रे मैन सुपर हिट गई। अब देखिए, फिर से हॉलीवुड लेवल जैसा फिल्म करने वाले हैं कैप्टन मिलर, जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी इसको रिलीज करने की प्लानिंग अभी चल रही है। और सडनली फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर धनुष सर ने रिलीज किया था, जिसमें धनुष सर का लुक बाइक पर बैठे हुए एकदम बवाल दिख रहा था। लेकिन धनुष सर का फिल्म यही खास बात होती है, वो हर फिल्म के लिए खुद को चेंज कर लेते हैं। उनका हर फिल्म में कैरेक्टर अलग रहता है, एक्शन अलग रहता है, लुक अलग रहता है। और यहाँ बॉलीवुड वाले कुछ लोग जब से फिल्मी दुनिया में आए हैं वो एक ही चीज करते करते बोर नहीं हुए। देखिए, टीजर देखकर सबसे पहले कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए थे। उनको लगा था भैया कैप्टन मिलर फिल्म बायोपिक होने वाले एक तमिल रिवेलियन कैप्टन मिलर के ऊपर की, जो श्रीलंका में तमिल विद्रोही थे, जिनकी लड़ाई श्रीलंका गवर्नमेंट से और उनके मिलिट्री से थी। और इन्होंने 21 साल की उम्र में विस्फोटक भरा ट्रक लेकर पूरा श्रीलंका के आर्मी कैंट में घुसा दिए थे। इसके कारण इन्हें तमिल लोग ब्लैक टाइगर भी कहते और आज भी इन्हें तमिलनाडु में पूजा जाता है। देखिए, भले ही फिल्म का कैरेक्टर असली लिया गया हो, बट फिल्म की कहानी एकदम फिक्शनल होगी। जैसे कैसे राजा मिली सर के ट्रिपल आर फिल्म में दो रियल फ्रीडम फाइटर कैरेक्टर को लिया गया था, एक अल्लूर सीताराम राजू और दूसरे कोमरम भीमम का, जिन्हें रामचरण और जूनियर एनटीआर ने फिल्म में प्ले किया था। पर ट्रिपल आर में इनके ओरिजिनल कहानी से दूर दूर तक नाता नहीं था, क्योंकि राजा मिली सर ने दोनों कैरेक्टर लेकर मास फिक्शनल एक्शन फिल्म बना दिया था। और ठीक ऐसे धनुष सर की कैप्टन मिलर भी होने वाली है। ये कैप्टन मिलर को डायरेक्ट करने वाले अरुण माधेश्वरन और इन्होंने फिल्म को लिखा भी है। और सडनली फिल्म का पूजा सेरेमनी भी हो गया, इसका मतलब अब कैप्टन मिलर का शूट भी स्टार्ट हो गई होगी। देखिए, फिल्म में लीड एक्ट्रेस के लिए कास्ट किया गया प्रियंका मोहन को। इनका फिल्म में कैरेक्टर तमिल रिवेलियन का ही होगा। और अभी फिल्म का बजट सेक्शन में दिखाया जा रहा है 400 करोड़ के ऊपर की फिल्म बन रही है। और भैया फिल्म रिलीज हो जाएगी 2023 के एंड में। खैर, अभी धनुष सर के कैप्टन मिलर से पहले उनके नाने भरवे में फिल्म का हिंदी वर्जन आने का इंतजार करते हैं। वो भी फिल्म एकदम मास्टरपीस सी लग रही है। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक आप सभी को अलविदा।